नमस्कार मित्रों, बोर्ड परीक्षा को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको हमें इस वीडियो में देने वाले हैं। पांचवीं, आठवीं, दसवीं, बारहवीं की यदि स्टूडेंट हो तो आप ही के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इस वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, राजस्थान राज्य सहित अन्य राज्यों में भी जो बोर्ड परीक्षा है पांचवीं, आठवीं, दसवीं, बारहवीं, उन स्टूडेंट को अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्णय लिया जा रहा है। बड़ी खबर विद तथ्यों के साथ में आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप बोर्ड कक्षा की जानकारी सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हो तो आज ही हमारे इस चैनल को रेड वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब अवश्य करें। जब भी आप सब्सक्राइब करोगे इस प्रकार का ब्लैक हो जाएगा, फिर इसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि आपको इनका नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और आप कोई भी अपडेट है वो मिस नहीं कर पाए। दोस्तों, ये बड़ी खबर है, देखिएगा। परीक्षाओं में देरी के कारण गड़बड़ाया जाएगा नया सत्र, संस्थानों की बढ़ेगी परेशानी। इस वक्त की बड़ी खबर जो राजस्थान से आ रही है लेकिन सभी राज्यों में लागू होती है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण स्थगित हुई है ये परीक्षाएं और परीक्षाओं पर लोक परिणाम में देरी, और यहाँ पे जो सरकार का नियम है फेल नहीं करने का नियम है, यदि कोई आपदा हो जाती है, कोरोना एक आपदा के रूप में है। तो यहाँ पे देख लीजिए अजमेर से बड़ी खबर, सीबीएसई, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित देश के सभी विश्वविद्यालयों की सालाना परीक्षाओं में देरी होना तय। कोरोना वायरस संक्रमण के परीक्षा के चलते 31 मार्च तक परीक्षा स्थगित की गई थी और अब देश भर में लॉकडाउन को देखते हुए परीक्षाएं स्वतः ही 14 अप्रैल तक टल गई है। ऐसे में संस्थानों और विद्यार्थियों के दिखते बढ़ेगी, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नए सत्र पर इसका असर पड़ने वाला है। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं मार्च की शुरुआत और सीबीएसई की 10वीं 12वीं परीक्षाएं फरवरी में जो है करवाई जाती है, लेकिन इसी तरह प्रदेश में अजमेर सहित जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर और अन्य विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर विषयों के सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के चलते संस्थाओं को 31 मार्च तक परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल तक समूचे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी, यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो जो कॉलेज का सत्र है वो अब शुरू होने जा रहा है, उसमें किसी प्रकार की देरी नहीं होगी और जो 10वीं 12वीं है उनका रिजल्ट नहीं आएगा तो वो अगली जो कॉलेज है उसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इस प्रकार से सरकार निर्णय कर रही है कि हम जल्दी है वो विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करेंगे। और इसके साथ ही सीबीएसई, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों और यूनिवर्सिटी परीक्षाएं 14 अप्रैल तक लॉकडाउन हो गई और पूर्व निर्धारित टाइम टेबल के मुताबिक सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं तो अप्रैल में ही खत्म हो रही थी। इसके बाद दोनों संस्थान मई में परिणाम जारी करने वाले थे, लेकिन अब परीक्षा परिणाम में विलंब होना तय है। विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं अब भी मई, जून अथवा जुलाई, अगस्त के चलते कि यहाँ पे आसार बता जा रहे हैं। इसके बाद भी यहाँ पे बड़ी खबर देख सकते हो, परीक्षाओं पर पड़ने वाला है बहुत ज़्यादा असर, जितना विलंब होगा यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, परीक्षाओं से पड़ेगा सत्र पर असर। परीक्षा में जितना विलंब होगा कॉपियों की जांच और परिणाम में उतनी ही देरी होगी। इसका ये साफ अर्थ है कि 2020-21 पर होगा विश्वविद्यालय परीक्षाएँ, औसत अंग तभी मिलते हैं जबकि कॉपी बाढ़, आगजनी या किसी आपदा में नष्ट हो गई हो, और ये जो है एक बाढ़ से भी ज़्यादा बेहतर है कोरोना वायरस। तो इसके बारे में इनका कहना है कि ये परीक्षा ही है वो विद्यार्थियों अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आज की बड़ी खबर थी। वीडियो और जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।